अस्सलाम वालेकुम टाइम। नहीं, मैंने कल अदरक लहसुन ली थी, अब इसको पीसना है। इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरे रूटीन रूटीन के हिसाब से, रूटीन से हटके हैं। और ये है कि मैं रोज़ाना जो काम होते हैं थोड़े बहुत, ये तो कभी कभी आपको पता है हफ्ता 10 दिन के अदरक लहसुन पीस के रख देते हैं, 10-15 दिन की। तो ये अभी जो है वो छील रही हूँ मैं अदरक लहसुन, मेरे प्याले में एक बोल में छील रही हूँ। ये देखिए, ये लहसुन है, छिला चलाया मिल जाता है। ये लहसुन है, इसमें क्या क्या डालूंगी वो आपको बताती हूँ। मैंने लहसुन अदरक जब पीस के सेव करना होता है ना, उसके हिसाब से ये लहसुन अदरक मेरे, ये छिला हुआ लहसुन आराम से मिल जाता है। और छिला हुआ मैं खुद लेती हूँ, भाई इतना टाइम नहीं होता है इसलिए मैं छिला हुआ ले लेती हूँ लहसुन। अच्छा, अब ये छील रही हूँ लहसुन, ये देखिए अदरक छील रही हूँ, ये देखें अदरक छील रही हूँ। इसमें से जो ख़राब होगी आपको पता है, ख़राब भी निकलती है, जड़ों में होती है अदरक लहसुन, अदरक आपको पता है। ये देखें, ये काट रही हूँ, ये मैं छोटा छोटा काट रही हूँ ताकि ये है ना ज़रा पिसने में आसानी हो जाए, जल्दी पिसे। जोंधर वाली बालों वाली भी दे देते हैं ये लोग, जल्दी जल्दी में डाल देते हैं चुपके से, नज़र बचती है ना तो उठा के डाल देते हैं। ये देखो निकली है थोड़ी बहुत बाल वाली मेरी, ये देखो ये दे। ये देखिए अदरक कट रही, काट दी है मैंने। अब ये दूसरी है, दूसरी काट रही हूँ। ये मैंने ली थी कल, जाके चली गई थी यहीं अपनी अपनी माँ के लियाकताबाद की, तो वहाँ से ले आई थी मैं सामान। अभी जो है ना, आज जो है ना मेरी रूटीन में जो है ना, भिंडी देखी भी है आपकी, ये भिंडी भी दूसरे स्टाइल की है, तो इसलिए मैं वो भिंडी बनाऊंगी, भिंडी की भुजिया। सही है ना, ये देखें ये अदरक काट रही हूँ। ये देखिए अंदर कट रही है, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको पीस लूंगी चॉपर में, थोड़ा बारीक पीस जाएगा चॉपर में जरा, ठीक है ना। ये मैंने छील ली और इसको धो रही हूँ, धो के ये चॉपर निकाला हुआ जग और चॉपर मैंने ये निकाला हुआ, ये देखा जग ये निकला हुआ चॉपर ऊपर, ये मशीन है ये निकाली हुई है मैंने। ये चॉपर ले रही हूँ धो के, और लहसुन थोड़ा थोड़ा करके पीसूंगी। थोड़ा पीस हुई ताकि ये बारीक पीस जाए, और एक साथ डालेंगे ना तो वो पीसेगी भी नहीं सही, ठीक है ना, एक साथ नहीं डालेंगे। और सारा एक में मिक्सर करके ना उसमें मैं बता दूंगी क्या क्या मिलाना है सेव करने के लिए, तो वो फिर मैं आपको बताती हूँ। सही है ना, अब ये पीसना शुरू कर रही हूँ मैं। अच्छा प्यारे व्यूअर्स, इस दौरान मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और विश करें। ये वाला हिस्सा तो पिस गया, ये सब पिस गए हैं, दूसरा डाल रही हूँ मैं, खत्म हो गई थी पिस, इसलिए अंदर से थोड़ा ही से रह गया, तो मेरे का भाई मैं
ला के वो भी पीस लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके पीस लेंगे। ये ये एक बॉल में डाल रही, उसमें वो चीजें मिलाऊंगी ना, आप देख लीजिएगा फिर। चीजें मिलाऊंगी आप भी देख लीजिएगा। पान दूसरा डाला हिस्सा मैंने, ये अदरक लहसुन का। ये भी हो गया, अब देख लूं कितना है, कुछ रह तो नहीं गया अंदर, पिस तो गया है, थोड़ा बहुत साबुत तो रह ही जाता है कुछ ना कुछ। ये चॉपर निकाल दूं मैं, लेकिन जरा जो पहले की पिसी हुई थी ना वो भी मिक्स कर रही हूँ, एक साथ कर रही हूँ ना, ताकि वो सारी चीज और जो डालूंगी ना वो मिल जाए। अच्छा, इसके अंदर इस अदरक लहसुन में जो पीसा है अभी मैंने, इसमें डाल ली मैं ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डालना और इसे मिक्स कर लिएगा, ऑयल और थोड़ा सा नमक डालेगा, ठीक है। आई वो ताज़ा ताज़ा रहता है ये, ज़्यादा नहीं, दो चमचे डाल दें आप, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ताज़ा है। और थोड़ी सी ये सॉल्ट डाल ली, नमक, ठीक है, देखें थोड़ा सा डाल दिया। अब इसको मैं बोतलों में कर रही हूँ, ये देखिए मिक्स कर लिया सारा, सब मिक्स कर रही है, आराम से मिक्स होगा। अब इसे मैं कर रही हूँ बोतलों में, डाल दिया सारा। ये जो था ना ये भी मिक्स कर रही हूँ, पुराना वाला जो था ना ये भी इसी में मिक्स कर लें सारा। और ये इसमें डाल रही हूँ बोतलों में, ये बोतलों में भर रही हूँ मैं। मिक्स कर लिया, ज्यादातर आ गया है, एक ही बोतल में ही आ गया मेरा ज्यादातर। ये बोतल में सेव कर लिया, शीशे की बोतल है, शीशे की बोतल में रखे तो ज़्यादा अच्छा है।
इसको तो खाने में बाकी का अदरक लहसुन इस प्याले में कर दिया, जो बचा था ना वो इसमें कर लिया। सारा रख दिया अदरक लहसुन में, ये अब मैं जो शुरू कर रही हूँ ना, अब जरा पराठे बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। तो ये मेरी अभी फारिग हुई थी काम से, मैं कहा नाश्ता बना लूँ, अंडे पराठे बना दूँ, तो मैं अब वो बना रही हूँ। अभी मैंने आपको जो बताया वो लहसुन अदरक सेव करने का तरीका, ठीक है। अब ये जो अब ये कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, पराठे बना रही हूँ। ये देखना पराठे के लिए मैंने आपको दिखा दिया, ये अदरक लहसुन सेव करने का तरीका बताया है और पराठे बना रही हूँ वो देख लीजिए। पराठे तो आपको पता ही, रेगुलर नाश्ता जो होता है एक तरह का वो है। और भिंडी की भुजी, भिंडी का साग है ना, मेरी भुजिया है बिहारी जिसे कहते हैं आप लोग, वो है। और अलग अलग तरीके की बनती है चीज, छोड़ी के नहीं, एक ही तरीका नहीं होता बनाने का। हाँ भरवा इसलिए नहीं बनाते, थोड़ा टाइम लगता है भिंडियों में, भरवा नहीं बनाती मैं, भरवे के लिए ज़रा टाइम चाहिए, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं। ये देखिए मस्त छोला जला रही हूँ मैं, इनका पता नहीं है गैस कब बंद कर ले, इसलिए भाई जो कर रही हूँ जल्दी जल्दी कर लें काम जो भी है।
वरना सिलेंडर चलाना पड़ता है नीचे जो रखा है हमारा। ये घी उतार लिए और अब नाश्ता पराठे बना। लच्छा वाला जरा मेरे बच्चे कम खाते हैं, उसे जरा घी लगता है ना, और वेट की वजह से थोड़ा कम रखते हैं उसे इन चीजों को। यूजली तो टोटल दो बना रही है पराठे, दो बन रहे हैं पराठे। ये प्लेट रख दी है मैंने, और यहाँ ये तवा है, ये दिख रहा होगा आपको। ये आटा ले आएंगे, आटा तो भून के रख लेगी थोड़ा सा। दो पराठे बन रहे हैं बस। ये तवा भी गर्म हो गया। मेरी रेसिपियाँ जो होती है ना बहुत आसान होती है, वो सिंपल सी होती है और आसान होती है, मज़ेदार भी होती है। सिर्फ ये ही नहीं कि सिंपल है, आसान भी है मज़ेदार भी है। ये हल्का करा है मुझे अभी छोटा। ये देखिए दाल गोश्त रखा हुआ मेरा, और एक अंडा, दो अंडे बना रही हूँ, वो बिना अंडे का जो होता है ना वो बना रही हूँ, पुदीना बना रही हूँ और डालेगी। और भिंडी आपको बताया ना, भिंडी की भुजिया बनाऊंगी मैं, बता दूंगी वो भी आपको। आपको उधर लहसुन की खास रेसिपी दी है, ये मैंने घर की है, मेरी अम्मी इस करती थी इस तरह सेव करने के लिए, क्योंकि पहले तो फ्रिज होते नहीं थे ना, तो वो दादा फ्रिज के रखते थे, वहाँ रख दिया आराम से काफ़ी 10 दिन के लिए। पहले फ्रिज अम्मी के दौर में नहीं थे, बाद में लाए रखे हर चीज़। सेव करने का तरीका ये भी, चाहे फ्रिज में भी रखे कोई मसला नहीं है, क्योंकि फ्रिज में ही रख रही हूँ मैं भी ये सब बना के। ये पराठा सीख गया है, सबसे एक हिस्सा सीख गया है, दिख रहा है ना ये आपको, ये देख लीजिए पराठा ये वाला है। मजबूरी है क्या, मेरा घर जरा छोटा भी है, किचन भी छोटा है,
तो आपको इसी तरह मैं दिखा सकती हूँ, क्योंकि एक हिस्सा ये थोड़ा सा खाली होता है जिसमें मैं कैमरा स्टैंड रखती हूँ, फिर मोबाइल लगा के कैमरा खोलती हूँ। तो ये ज़रा मेरा थोड़ा सा मजबूरी है। ये देखिए एक हो गया पराठा, ये रहा दूसरा डाल दें, ये देखिए दूसरा हो गया। मुश्किल कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम का है मसला होता है यहाँ पर, और कुछ नहीं। टाइम चाहिए हो तो हर चीज़ का टाइम होता है, हर चीज़ करो। फिर गैस बिजली हो तो मज़ा भी आता है काम करने में। यहाँ तो गैस भी गायब हो जाती, कभी बिजली गायब, कभी गैस गायब, बहुत गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होती है यहाँ पे। अभी देखो कुछ 4 महीने हो रहे हैं, मेरे घर की तरफ से पाइप नहीं हटे अभी तक, गटर से पाइप हटे ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं हटे अभी तक। काम हो गया पूरा, सड़कें डल गई, इलाके की गड्ढे खुद गए, लाइनें डल गए, पर पाइप नहीं उठाने की जरूरत थी किसी ने भी, आया नहीं कोई पाइप उठाने। गाड़ी नहीं लाया जा रहे, गाड़ी से उठने वाले पाइप हैं, अच्छे बड़े पाइप हैं वो। मुझे इतनी तकलीफें हो रही हैं ना, मन से दिल से है ना, धुआं नहीं निकलती, बदुआएँ निकलती हैं, पर अल्लाह मियाँ लगाए तो सही, ऐसे ढीठों को लगती भी नहीं है, और अगर लग भी जाए ना तो कहते हैं ये अल्लाह की करनी थी। हाँ कोई बात नहीं, अल्लाह की करनी थी, अरे अपने अमाल देख लो, इसको तकलीफ़ें दे रहे हो, क्या कर रहे हो, कितनों की बदुआएँ हैं तुम्हारे साथ, दुआ तो बिल्कुल ही नहीं है, बदुआएँ हैं तुम लोगों के लिए। बाहर गाड़ी खड़ी कर दी 4-5 महीने से बाहर, इतनी तकलीफें चल रही हैं। टोस्ट कर लें भजिया, टोस्ट कर लें, थोड़े से 2-3 टोस्ट ले लेती हूँ खुले वाले, बच्चे खाते हैं तो साथ में ले लेती हूँ। ये देखो टोस्ट ले ली, और फिर अब अंडा करूँगी, इसके बाद अंडा कर दूँगी। ये टोस्ट है, थोड़े से टोस्ट कर ली तवे पे, और फिर अंडा ला, अंडा वो तो बना के रखा हुआ है साथ में। ये देखिए अंडा मिक्सर का, प्याज जस्ट काट के रखती हूँ, ये वो आधा अंडा है खोबीला, जो प्याज हरी मिर्चें कुटी मिर्चें डाल के बनता है, ये वो है। बार बार वो वाला नहीं बना सकते ना, इसके लिए भी टाइम चाहिए। अंडा घोटाला इसे कहते हैं, अंडा घोटाला उसे कहते हैं, अंडा घोटाला वो नहीं कर रहा, वो नहीं है ये। और आप चाहें तो ये तो ये भी मज़े का ही बनता है, डाल देनी है आपको साथ में। ये देखो अंडा पराठा और डबल रोटी, दोनों तरफ से सिक गया है। ये देख ये बॉल में करा है छोटा वाला,
दाल भी निकाल दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, तमाम काम हो गए। अब ये कि भिंडी काटनी है मुझे और भाजी की तैयारी करनी है। ये देखिए दाल है, अंडा है, अच्छे प्यारे हैं। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाकी ये है कि भिंडी बनाऊंगी तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है।